तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में। एक ऐसे एक्टर जिन्हें अपनी पहली फिल्म में सिर्फ 7 सेकंड का रोल मिला, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने बॉलीवुड में ऐसा मुकाम हासिल किया जो किसी भी एक्टर का सपना होता है। वो शख्स जो अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर सेल्समैन से सुपरस्टार बन गया और बड़े बड़े एक्टर्स के होते हुए 30 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। जिन्होंने रियल लाइफ में बिना स्टंटमैन के बॉलीवुड बजट में हॉलीवुड लेवल के एक्शन से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया, तो वहीं रियल लाइफ में 55 साल की उम्र में भी जिनकी फिटनेस के आगे यंग एक्शन हीरोज पानी भरते नजर आते हैं। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स के होते हुए कैसे ये बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल अभिनेता माने गए? कोई नहीं और, मैं जैसे जैकी चैन, मेरे दुश्मन सारे मेरे से दूर रहे, दोस्त गए मुझे ब्रूस। और क्या आपको पता है कि क्यों एक मेगा स्टार होने के बावजूद इनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया कि इन्होंने भारत से बोरिया बिस्तर समेटने का सोच अपनी नागरिकता ही छोड़ दी? मैं जहां रहूं, मैं कहे भी। तो क्यों बने ये एक्टर और कैसे इतने संघर्षों के बावजूद अपने स्टारडम से इन्होंने बॉलीवुड के किंग और दबंग हीरोज को कभी नंबर वन नहीं बनने दिया, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। शानदार कॉमिक टाइमिंग, सुपर रोमांटिक अंदाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी, जबरदस्त एक्शन, दर्शकों का दिल जीतने वाला अभिनय और बॉलीवुड में फिटनेस का दूसरा नाम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजीव हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार की। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। कश्मीरी माँ और पंजाबी पिता के घर 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजीव भाटिया ने कभी पिता के डांटने पर कहा था कि पढ़ूंगा नहीं तो हीरो बन जाऊंगा। राजीव भाटिया ने आने वाले सालों में गुस्से में कही अपनी बात को बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार बनकर सच साबित कर दिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का यह सफर इतना आसान नहीं था। यहाँ मेरा कच्चा फट गया है और तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अक्षय भी हर आम बच्चे की तरह पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने का ख्वाब देखते थे। हालांकि कॉलेज के पढ़ाई के दौरान इन्होंने अपनी लाइफ में एक टर्न लिया और मार्शल आर्ट में करियर बनाने के लिए बैंकॉक चले गए। यहाँ इन्होंने बतौर वेटर काम किया और शेफ बनने की ट्रेनिंग भी ली। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर अक्षय इंडिया लौटे और यहाँ मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन आगे की डगर इनके लिए आसान नहीं थी। हमारे देश में उस वक्त मार्शल आर्ट सिखाकर ज्यादा कमाई नहीं की जा सकती थी, इसीलिए अक्षय ने अपने लिए जॉब तलाशनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो कोलकाता में इन्हें सबसे पहली नौकरी एक चपरासी के रूप में मिली। हालांकि ये नौकरी अक्षय को रास नहीं आई तो ये सेल्समैन बनकर ढाका चले गए। इसके बाद दिल्ली में ज्वेलरी ट्रेडर के रूप में काम किया और फिर कुछ सालों बाद मुंबई में वापस मार्शल आर्ट टीचर के रूप में काम करने लगे। लेकिन अक्षय की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मार्शल आर्ट सीखने आए स्टूडेंट्स अक्षय को अक्सर मॉडलिंग में जाने की सलाह देते रहे, लेकिन इसके लिए एक दमदार पोर्टफोलियो की जरूरत थी। कम ही लोग जानते हैं कि अपना पोर्टफोलियो तैयार कराने के लिए अक्षय ने फोटोग्राफर जयेश सेठ के साथ बतौर असिस्टेंट 18 महीने तक फ्री में काम किया था। हालांकि राज्यसभा टीवी को दिए अक्षय के एक इंटरव्यू के मुताबिक फर्नीचर की दुकान पर हुए पहले शूट के लिए इन्हें 21,000 रुपए का चेक मिला। मार्शल आर्ट सिखाने के मुकाबले कम समय में ज्यादा कमाई का ये जरिया अक्षय को पसंद आया और ये अपनी मॉडलिंग पर ज्यादा फोकस करते हुए जगह जगह ऑडिशन के लिए जाने लगे। इस दौरान अक्षय को बतौर बैकग्राउंड डांसर कुछ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला और 1987 में आई महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म आज में इन्हें एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल करने का मौका मिला। हालांकि इनका रोल महज 7 सेकंड का था,
बताया जाता है कि एक बार अक्षय मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बैंगलोर जा रहे थे, लेकिन इनकी फ्लाइट छूट गई। निराशा में अक्षय अपना पोर्टफोलियो लेकर फिल्म स्टूडियोज का राउंड लगाने निकल पड़े। यहाँ एक स्टूडियो में इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती से हुई और उन्होंने अक्षय को फिल्म दीदार के लिए साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई, जिससे पहले अक्षय बतौर लीड एक्टर अपनी पहली फिल्म 1991 में आई सौगंध में नजर आए। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अबे बहन होगी तेरी, मेरी तो ये समझ गया ना तू। दीदार के बाद ये डांसर में नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। हालांकि इसके बाद 1992 में ही आई अब्बास मस्तान डायरेक्टेड फिल्म खिलाड़ी ने अक्षय को रातों रात स्टार बना दिया। वादा रहा सनम, हो गए जुदा ना। कहते हैं कि फिल्म खिलाड़ी के बाद एक बार फिर 2 साल तक अक्षय को फ्लॉप और एवरेज फिल्मों का सामना करना पड़ा। हालांकि 1994 में आई मोहरा इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। खासकर इसके गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त से अक्षय को बेतहाशा पॉपुलैरिटी मिली। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इसके बाद एक बार फिर 1995 से 1999 के बीच का दौर अक्षय के लिए कमजोर रहा। इस दौरान इनकी 20 फिल्मों में से सिर्फ सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जानवर और इंटरनेशनल खिलाड़ी ही सक्सेसफुल रहीं। हमारी पिछली मुलाकात एक दुर्घटना थी, कहीं ये मुलाकात हादसा ना बन जाए। साल 2000 से 2008 तक अक्षय का करियर अच्छा चला। अक्षय ने नेगेटिव रोल में भी खुद को आजमाया और साल 2001 में आई फिल्म अजनबी में ये बॉबी देओल के अगेंस्ट विलेन का रोल करते नजर आए। फिल्म सुपरहिट रही और अक्षय को उस साल के बेस्ट विलेन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं सिर्फ तेरा महबूब, मेरी महबूबा, मुझे चाहे। इस दौरान इन्होंने अपने एक्शन हीरो की छवि से अलग कॉमेडी जॉनर को पकड़ा और हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया, वेलकम और सिंग इज किंग जैसी फिल्मों से ऑडियंस को खूब हंसाया। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। अपनी एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक रोल्स के अलावा अक्षय ने ड्रामा रोल भी बखूबी निभाए और 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता, 2002 में आई आंखें और 2005 में आई फिल्म बेवफा और वक्त में इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा। हालांकि फिर साल 2012 तक फिल्म चांदनी चौक टू चाइना, 8x10 तस्वीर और कमबख्त इश्क जैसी इनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुईं। हालांकि इस बीच हाउसफुल 1 और 2, देसी बॉयज और राउडी राठौर जैसी कुछ फिल्में इनके करियर को सहारा देती रहीं। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। फिर 2013 में फिल्म स्पेशल 26 करने के बाद अक्षय ने हॉलीडे, बेबी, गब्बर इज बैक, एयरलिफ्ट, रुस्तम, जॉली LLB 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, रोबो 2.0, केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज और सूर्यवंशी जैसी मैक्सिमम हिट और जबरदस्त फिल्मों की झड़ी लगा दी। तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। तू? हाँ मैं। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। वहीं हाल ही में रिलीज हुई इनकी फिल्म ओ माय गॉड 2 की सफलता ने अक्षय की हिट फिल्मों के लिस्ट को और बढ़ा दिया है। साथ ही इस फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी एक बात ने इनके बारे में ये भी बता दिया कि अक्षय सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खिलाड़ी हैं। जानकारों की माने तो डायरेक्टर अमित राय ओ माई गॉड 2 की स्क्रिप्ट को लेकर प्रोड्यूसर की तलाश में सालों से इंडस्ट्री में घूम रहे थे। हालांकि इस स्क्रिप्ट को फ्लॉप बताकर करण जौहर, आशुतोष गोवारिकर और सोनी चैनल समेत सबने मना कर दिया। उनका मानना था कि ऐसे रिस्की सब्जेक्ट में पैसा लगाना ठीक नहीं है। खैर, जैसे तैसे अमित की मुलाकात अक्षय कुमार से हुई और अक्षय ने इसे सोशल रिफॉर्म का सब्जेक्ट मानते हुए एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। बताया जाता है कि अक्षय ने ना सिर्फ फिल्म में पैसे लगाए बल्कि खुद लीड करने का फैसला भी किया।
आलम ये रहा कि गदर 2 जैसी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म के साथ टकराव के बावजूद फिल्म सुपरहिट रही और 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। खैर, बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार की, तो भारतीय सिनेमा में इतने सालों में हमने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अशोक कुमार और दिलीप कुमार के दिनों से लेकर रजनीकांत और अब शाहरुख खान के ग्लोबल स्टारडम तक कई सुपरस्टार देखे। हाल के सालों में प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर NTR जैसे साउथ के सुपरस्टार्स का जलवा है, जिनकी हर एक फिल्म का देश भर में लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इन सभी सितारों के लिए सबसे बड़ी शेखी बघाड़ने वाली बात यह है कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे सफल अभिनेता, हमने जितने सुपरस्टार्स के नाम लिए इनमें से कोई नहीं है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अंदरूनी सूत्रों और शोधकर्ताओं के अनुसार भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर अक्षय कुमार हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। कई फ्लॉप फिल्मों के बावजूद पिछले 15 साल में इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किसी भी अन्य भारतीय अभिनेता की तुलना में कहीं ज्यादा कमाई की है। इसकी एक वजह ये भी माना जा रहा है कि अक्षय की फिल्म हिट हो या फ्लॉप, ये पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं और शायद इसी वजह से तीनों खान एक्टर्स और साउथ के सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, प्रभास और कमल हासन को पछाड़ने में कामयाब रहे हैं। बॉली मूवी रिव्यू .com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक अक्षय की फिल्मों की ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन यानी घरेलू कमाई लगभग 6000 करोड़ रुपए रही है। हालांकि इनकी किसी एक पर्टिकुलर फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं किया, बल्कि इन्होंने करीब 126 फिल्मों में काम कर टोटल $250 मिलियन की संयुक्त कमाई की है, यानी दुनिया भर में इन्हें लगभग 8000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है कि अक्षय कुमार इस लिस्ट में सबसे आगे कैसे हैं, जबकि उनकी किसी भी फिल्म ने कभी 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया। वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रजनीकांत और प्रभास जैसे एक्टर्स की फिल्में ऐसा कई दफा कर चुकी हैं। दरअसल अक्षय का जबरदस्त कलेक्शन उनकी हर साल एक साथ कई फिल्मों को लगातार करने से है। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री? भारतीय फिल्मों की बॉक्स ऑफिस संख्या में लगभग 15 साल पहले उछाल आना शुरू हुआ जब 100 करोड़ क्लब की स्थापना हुई। तब से अक्षय ने लीड रोल वाली करीब 52 फिल्में की हैं। इसकी तुलना में इसी ड्यूरेशन में शाहरुख ने 15 फिल्में, सलमान ने 25 और आमिर खान ने केवल 9 फिल्में की हैं। तो वहीं सुपरस्टार रजनीकांत, जो 80 और 90 के दशक में शानदार सुपरस्टार रहे, अब बहुत सिलेक्टिव फिल्में ही करते हैं। इसमें टांग मत अड़ाओ, भाग जाओ। भाग जाना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मनुष्य नहीं पर लोगों को बचाने के लिए मुझे जगाया गया। साल 2008 के बाद रजनीकांत सिर्फ 10 फिल्मों में ही लीड रोल में नजर आए हैं, यानी दूसरे सुपरस्टार्स की तुलना में करीब 3 से 5 गुना अधिक फिल्में करने के कारण अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में अक्षय कुमार का टॉप पर बने रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी फिल्में कितनी कमाई कर रही हैं, क्योंकि साल 2023 में आई फिल्म पठान के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शाहरुख खान भी ग्रॉस 7000 करोड़ की कमाई कर अब अक्षय कुमार से ज्यादा पीछे नहीं है, खास करके तब जब शाहरुख पूरे फॉर्म में है और इनकी फिल्म जवान की ओपनिंग भी जबरदस्त रही और इनकी अगली फिल्म डंकी भी इसी साल आने वाली है। यानी साल 2023 में शाहरुख के पास अक्षय कुमार से आगे निकलने का पूरा मौका है। बेटे को हाथ लगाने से पहले आपसे बात कर। वहीं अपनी फिल्मों से 7000 करोड़ रुपए से कम की कमाई के साथ सलमान खान तीसरे पायदान पर है और चौथे नंबर पर आमिर खान है, जो दंगल, PK और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कारण खुद को इस लिस्ट में बरकरार रख सके हैं। दम में तेरे में स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। अपनी फिल्मों से 5000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रजनीकांत और कमल हासन इसके बाद की रैंकिंग पर नजर आते हैं। तो वहीं प्रभास, ऋतिक रोशन और थलापति विजय बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों से 4000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर इस लिस्ट के टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, ये आपकी परवरिश का अपमान होगा माँ।
खैर, बात करें अक्षय के पर्सनल लाइफ की तो अपनी नेशनैलिटी को लेकर ये अक्सर विवादों में रहे और समय समय पर मीडिया के साथ ही आम लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए इन्हें घेरने का प्रयास किया। ज्यादातर देशभक्ति फिल्मों में नजर आने वाले अक्षय कुमार के लिए कुछ लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि जो खुद भारत का नागरिक नहीं है वो देशभक्ति की बात कैसे कर सकता है। तो वहीं जब अक्षय कुमार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो लोगों ने ये कहकर चुटकी लेना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड में काम करने वाले भारतीय मूल के एक कनाडाई नागरिक को ये इंटरव्यू दिया है। हालांकि साल 2019 में ही एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने सार्वजनिक तौर पर यह बात शेयर की कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान अक्षय कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी भारतीयता साबित करने के लिए उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान अक्षय ने बताया कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता लेने का फैसला क्यों किया। अक्षय ने कहा, 14 फिल्मों की नाकामयाबी के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ और आजमाना पड़ेगा। कनाडा में रहने वाले मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे वहां आने के लिए कहा। उसने कहा कि हम किसी और चीज पर मिलकर साथ काम करेंगे। वो भी भारतीय है और वहीं रहता है। मैंने वहां का पासपोर्ट ले लिया क्योंकि मुझे लगा था कि यहां मेरा करियर खत्म हो गया है, लेकिन तभी मेरी 15वीं फिल्म हिट हो गई और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आगे बढ़ता रहा लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपना पासपोर्ट बदल लेना चाहिए। इसके बाद 15 अगस्त 2023 को अक्षय कुमार ने अपना इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एक ट्वीट के जरिए शेयर करते हुए फैंस को बताया कि ये एक बार फिर से भारतीय नागरिक बन गए हैं। अक्षय ने लिखा, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर आकर 30 साल तक डटे रहना और इतना बड़ा नाम कमाना आसान नहीं है। ये अक्षय का टैलेंट, मेहनत और डिसिप्लिन ही है कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अक्षय कुमार की एक झलक पाने और इनकी नई फिल्मों के लिए इनके करोड़ों फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। जब भी एक्सेप्शनल फिटनेस और एक्शन हीरोज की बात होगी, बॉलीवुड के इतिहास में अक्षय कुमार को हमेशा याद किया जाएगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी अक्षय कुमार से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।